हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, नहा धो के हो चुका हूँ, रेडी, चाय बन रही है, लंच वंच पैक सब कुछ कर लिया, सब रेडी हो चुका है। चाय पी के नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं ड्यूटी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरी वीडियोज़ वगैरह, मेरे ब्लॉग वगैरह आपको पसंद आते होंगे। तो मैं ये आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को काफ़ी सपोर्ट करें, लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि मेरा चैनल ग्रोथ कर सके। आप लोगों के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो इस पावन महीने, सावन महीने में आप सभी पे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही उम्मीद करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए, आज के दिन की, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। जय श्री महाकाल। फ्रेंड्स, रूम से निकल चुके हैं गैराज के लिए, गुलाम भाई भी साथ में ही हैं। तो चलते हैं गैराज और देखते हैं क्या काम है क्या नहीं है, फिर निकलते हैं काम पर। तो हम लोग लुहंगी गैराज से निकल गए हैं, मेन गैराज की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या काम है। गुलाम भाई तो उधर ही रुक गए हैं दो क्रेनों के बीच में, तो हम लोग निकल गए हैं सब लोग। तो गैराज मिस्टर जा रहा, कल जा रहा भाई ये लेबनान, आज इसका लास्ट डे है ड्यूटी का। और आप 2 साल के बाद में कल है इनकी फ्लाइट, और आज कल इनके साथ में मैंने शॉपिंग वगैरह करवाई थी कुछ, जो स्पाइसी वगैरह मसाले में बोल रहा था, और आज फिर शाम को जाना है कुछ मसाले वगैरह लेने हैं। तो ये बंदा निकल जाएगा भाई, 2 महीने के बाद में आएगा लौट के घर से। फ्रेंड्स, पहुंच गए हैं गैराज में और ऑयल पानी चेक करवाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह निकालते हैं बाहर, बाहर निकाल के फिर काम वाम आएगा तो फिर निकलेंगे यहाँ से काम पर। गैराज में आके क्रेन वगैरह सब बाहर निकाल लिए हम लोगों ने, और अब बैठे हैं, काम आता है तो फिर जाएंगे। फ्रेंड्स, गैराज में खड़े हैं, अभी कोई काम वाम आया नहीं है, तो क्रेन वगैरह में करवा रहे हैं ग्रीस। और ये रहा सामने गैराज, और मैं आपको दिखाता हूँ मस्टंग, ये हमारे बॉस के बड़े भाई हैं, उनका गैराज है, उनकी कंपनी है, पहले साथ में थे ये लोग, अब इन्होंने अपना बना लिया अलग। और ये रही मस्टंग, और सामने रही ऑडी Q7, ये सब सेल होने के लिए लगी हुई है यहाँ पर। ये मस्टंग है, मैंने जो बॉस की, हमारे बॉस की थी वाइट कलर की, वो मैंने चला रखी है भाई साहब। बहुत ही फाड़ू गाड़ी है ये फ्रेंड्स, बहुत ही फाड़ी गाड़ी। अपने इंडिया में इस गाड़ी की कीमत लगभग 1.25 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। फ्रेंड्स, अभी एक काम आया हुआ है कुछ, तो गुलाम भाई करने के लिए गए थे, कंटेनर से कुछ मटेरियल निकालना था, बट वो 5 टन की बूम ट्रक लेके गए थे, उससे हुआ नहीं। तो अभी मैं 14 टन लेके निकला हूँ लोकेशन पे, वहाँ चलते कंटेनर से कुछ चैन वगैरह निकालना है, एक्सावेटर का, डोजर का, और अंदर से एक ग्रुप निकालना है जनरेटर। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ लोकेशन पे, और ये रहा मटेरियल, इसको निकालना है। निकालने के बाद में इसके पीछे जनरेटर ग्रुप, जो कि इंडिया से आया हुआ है अपना होमेंस किर्लोस्कर का, तो उसको निकालते हैं। चैन हमने निकाल दी है बाहर, ये रही, और इंजन भी निकाल दिया है इसके अंदर, मैं एक बॉक्स निकाला, अभी और अंदर में मटेरियल है, तो काम अभी कंटिन्यू हमारा चालू है। फ्रेंड्स, काम ख़त्म हो गया है और वहाँ का, तो निकल गए वापस गैराज की तरफ। फ्रेंड्स, छुट्टी का टाइम हो चुका है और शाम हो गई है, निकलते हैं अब यहाँ से 10 मिनट बाद में रूम गैराज, फिर वहाँ से रूम। और आज कुछ काम आया नहीं, बस एक ही काम आया था तो वो हमने कर दिया था। तो फ्रेंड्स, छुट्टी हो चुकी है और सब लोग निकल गए हैं लुहंगी के लिए गैराज, बट मेरा क्या अभी एक छोटा सा काम आ गया है, तो मैं छोटा बूम ट्रक 2 टन का लेके जा रहा हूँ, कोई जनरेटर ग्रुप है उसको शिफ्टिंग करना है 100-200 मीटर के समथिंग। तो अभी मैं निकल गया हूँ यहाँ से गैराज से लोकेशन पे, वहाँ जाता हूँ, ग्रुप शिफ्ट करता हूँ, फिर वापस डायरेक्ट लुहंगी। फ्रेंड्स, ये रहा जनरेटर, और इसको लोड करके लेके जाना है और मेरे को होटल में रखना है, और ये रहा अपना बूम ट्रक। तो फ्रेंड्स, ग्रुप जनरेटर तो मैंने कर दिया ऑफ लोड, वहीं पर 200 मीटर की दूरी पे था, बट अभी इन लोगों ने जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो लोड किया हुआ था, अब वो मटेरियल मैं लेके जा रहा हूँ किसी दूसरी लोकेशन पे, वहाँ जाके मैं उसको अपलोड करूँगा और जाऊँगा रूम। तो भाई, पनौती लग गई आज तो अच्छी खासी, एक तो वैसे भी लेट थे, 5:30 बज गए थे वहाँ गैराज में छुट्टी होने में,
और उसके बाद काम आ गया। तो अभी टाइम बज रहे हैं लगभग 7:42, तो मुझे लगता है कि सारा काम कर ख़त्म करने में और रूम पहुंचने में मेरे को लगभग 8:30 बज जाएंगे, 8:30 से 9 बस के बीच में। तो चलते हैं, काम ख़त्म करते हैं, क्या करें, शाम के टाइम पे काम आ गया है तो। बट सारा मूड ऑफ हो गया है, ये रेट ऑफ मार्केट। अभी हम टाउन के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं, ये रही किंग मार्केट। और ये जो है ना, हम जो एरिया है हमेशा ट्रैफिक से भरा रहता है। अब यहाँ से हम आगे से लेंगे लेफ्ट, फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया, टाइम हो गया 8:40 और हम पहुंचने वाले हैं यहाँ अभी 5 मिनट में लुबोंगी। आ गए हैं कैरीफोर और हाइपर पसारो और करते हैं बूम ट्रक को पार्क और फिर निकलते हैं रूम। मैंने गुलाम भाई को पहले फ़ोन करके बोल दिया था कि आज मैं लेट हो जाऊंगा तो आप चले जाना मार्केट और जो लेके आना होगा ले आना। तो गुलाम भाई ने खाना वाना शायद बना रखा होगा रूम में। ये रहा कैरीफोर, यहाँ लोमबासी का फेमस जगह, फेमस स्पॉट। तो चलते हैं, ट्रेन करते हैं पार्क और फिर रूम पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा लेफ्ट में INPP कॉलेज और इसके जस्ट पीछे ही है हमारा रूम, इस कॉलेज के जस्ट पीछे है हमारा रूम। और लेफ्ट में रूम हो गया, राइट साइड में हमारा हो गया लोगों की ब्यूरो गैराज। चलते हैं वहाँ पार्क करते हैं और फिर वापस यहीं पर से निकलेंगे रूम पर। थोड़ी दूर पर ये रहा हमारा सामने किंग मार्केट। तो कभी कभी हम आते हैं यहाँ पर मार्केट करने के लिए, ग्रोसरी का सामान वगैरह लेने के लिए। ये रहा किंग मार्क। चलते हैं गैराज। फ्रेंड्स बूम ट्रक कर दिया पार, पेपर वगैरह सब दे दिए अंदर में और अब निकलते हैं यहाँ से सीधा रूम। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गया कमरे पर, करते हैं कपड़े वगैरह चेंज और गुलाम भाई तो बना रहे हैं कुछ ऐसा कि खुशबू आ रही है बहुत दूर तक और आई थिंक इन्होंने बना भी लिया है। क्या बनाया है भाई? कुछ है चिकन जैसा लग रहा है, चावल। तो करते हैं कपड़ा चेंज और फिर खाते हैं खाना, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स मस्त खाना वाना हो चुका है, गुलाम भाई ने बनाया था चिकन और चावल, तो खाना खा लिया हमने और अब जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, लगभग 10 बज चुके हैं। तो अब आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।